चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जींद उपचुनाव में एक नया मोड़ सामने आया है। जेजेपी के उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला को आम आदमी पार्टी ने समर्थन देने की बात कह दी है। आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव में जेजेपी का समर्थन करने की बात की है, यानी दिग्विजय सिंह चौटाला के पक्ष में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी प्रचार करेगी। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहुंचेंगे, आपके समर्थन मिलने से जेजेपी को मजबूती मिल सकती है। आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन साफ तौर पर समर्थन की बात जेजेपी के उम्मीदवार के लिए कर दी, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जेजेपी की उम्मीदवारी में थोड़ी ताकत और एक नया मोड़ राजनीतिक गलियारों में आ जाएगा। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता प्रचार के लिए पहुंचेंगे, आपका समर्थन करने से मजबूती मिली। आम आदमी पार्टी जींद उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ रही है। जींद से बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव में जेजेपी का समर्थन कर दिया है। जेजेपी के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह चौटाला है, इनके पक्ष में प्रचार करेगी आम आदमी पार्टी। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने जींद में प्रेस वार्ता के दौरान ये बात कही है। तो आपका समर्थन मिलने के बाद कहीं ना कहीं एक नया मोड़ जरूर आया है, और जो उम्मीदवारी की बात करें, एक तरफ बीजेपी अपने उम्मीदवार को मनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। बीजेपी लगातार देख रही है कि जो हमारे प्रत्याशी जिनको टिकट नहीं मिली है, जो प्रत्याशी के रेस में थे, जो चाहते थे कि हमें टिकट मिले, वो नाराज, उनको मनाने की कोशिश की रही है और अपने उम्मीदवार को ताकत देने का काम करी। वहीं जेजेपी को समर्थन देकर आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी हैं, और साफ तौर पर ये चुनाव जो है वो पूरी तरह से दिलचस्प हो चला है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के नाम, जिस तरह से पार्टी के दूसरे नंबर के तौर पर देखे जाने वाले नेता जेजेपी में दिग्विजय चौटाला को उम्मीदवार बनाया है, उधर अगर बात की जाए तो एक राष्ट्रीय नेता को कांग्रेस लेके आई है, रणदीप सुरजेवाला को जींद उपचुनाव उतारा है, और जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं कहीं ना कहीं चुनाव दिलचस्प हो चला है। विजेंद्र हमारे साथ संवाददाता इस खबर जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, साफ तौर पर देखा जाए तो चुनावी गणित अब कहीं ना कहीं उलटफेर जरूर हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने समर्थन दे दिया है बीजेपी को। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं सुशील गुप्ता, वो जींद पहुंचे हैं और उन्होंने अपने जो यहाँ के पदाधिकारी हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक प्रेस वार्ता की है, और आम जो जननायक जनता पार्टी जेजेपी के जो उम्मीदवार हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, उनके पक्ष में उन्होंने समर्थन दिया है और प्रचार करने का ऐलान किया। तो निश्चित तौर पर जो है जेजेपी को यहाँ पर एक मजबूत जो है साथ उनको मिला है, और ये इस तरफ इशारा भी करता है कि आगामी जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है, आम आदमी पार्टी और जेजेपी साथ जा सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार आज ये इशारा किया है और यहाँ पर इन्होंने ऐलान किया है कि जेजेपी को ही समर्थन करेंगे और प्रचार करेंगे, मजबूती देंगे, तो साफ तौर पर इशारा करता है भविष्य की ओर। लेकिन फिलहाल तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि आज जो ऐलान किया है निश्चित तौर पर जो जननायक जनता पार्टी है उनको मजबूती मिलेगी, और जो आगामी जो 28 जनवरी को यहाँ पर चुनाव हो रहा है उपचुनाव, उसको लेकर काफी एक कहा जा सकता है कि अहम ये पड़ाव है, अहम ये बिंदु है जननायक जनता पार्टी के लिए, और दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला ने इसी तौर पर इसके लिए मजबूत होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई उम्मीदवार फिलहाल मैदान में नहीं है, और जिस प्रकार दिग्विजय सिंह चौटाला मैदान में है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनको साथ मिल रहा है, तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बड़ी जीत है और बड़ी मजबूती जेजेपी को मिलने वाली है। जी लेकिन विजेंद्र, साफ तौर पर देखा जाए तो सवाल कई सारे खड़े होते हैं। ये भी सवाल खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस समर्थन की बात होती है, मंचों पर राहुल गांधी के साथ अरविंद केजरीवाल दिखते हैं, और उसके बावजूद इसके इतर ये ऐलान भी किया जाता है कि दिल्ली हरियाणा पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए यही तो इस चीज की राजनीति है। पहले आम आदमी पार्टी ने ये भी अनाउंस किया था कि 2009 का वो अपना सकते हैं इसको लेकर, चुनाव को लेकर, लेकिन जिस पर यू टर्न कह सकते हैं आम आदमी पार्टी ने लिया है, और ये क्या इनकी शर्तें हैं, क्या इनकी बात हुई है, क्योंकि हालांकि पहले भी चाहे नवीन जयहिंद की बात करें, केजरीवाल की बात करें, या दुष्यंत चौटाला दिग्विजय चौटाला की बात करें, आपस में ये एक दूसरे के बारे में बोलने से बचते रहे, और जब इनसे सवाल पूछा जाता था गठबंधन को लेकर तो हमेशा इन्होंने कहा कि हो सकता है, यानी कि बातें जो है चर्चाएं जो है काफी समय पहले से चल रही थी, आज इसको पूर्ण रूप दिया गया है। तो हालांकि देखना होगा कि राजनीतिक रंग क्या रंग लेकर आता है और क्या ये गुल खिलाता है। फिलहाल तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो है जेजेपी को यहाँ पर आज एक मजबूत साथ मिला है। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जगह बहुत बहुत शुक्रिया विजय। साफ तौर पर जेजेपी को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का समर्थन मिलने के बाद थोड़ा थोड़ा विपक्ष की, यानी कि साफ तौर पर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस की